टीम इंडिया के कैप्टन विराट कोहली का चैलेंज एक्सेप्ट करके पीएम मोदी ने खुद के लिए परेशानियां बढ़ा ली है। अब उनके विरोधी उन्हें ऐसी ऐसी चुनौतियां दे रहे हैं जिसे पूरा करना उनके लिए बेहद मुश्किल है। तेजस्वी यादव ने जहां पीएम मोदी को बेरोजगारी और किसानों की परेशानी खत्म करने का चैलेंज दिया है, तो वहीं अब राहुल गांधी ने भी ऐसी चुनौती पीएम के सामने रख दी है जिसे अगर उन्हें पूरा कर लिया तो जनता को बड़ी राहत मिलेगी। जब बात पीएम मोदी को चैलेंज देने की हो तो भला कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी कैसे पीछे हट सकते हैं? वो तो फिटनेस चैलेंज के शुरू होने से पहले ही पीएम मोदी को 15 मिनट तक उनका भाषण सुनने की चुनौती दे चुके थे। आज उन्होंने चैलेंज देने की रेस में आगे निकलते हुए पीएम मोदी के सामने वो चुनौती रखी है जिसे पूरा करना पीएम के लिए नामुमकिन सा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर पीएम को पेट्रोल डीजल के दाम कम करने को कहा है। कांग्रेस अध्यक्ष ने लिखा है, डियर पीएम, ये देखकर खुशी हुई कि आपने विराट कोहली का फिटनेस चैलेंज स्वीकार किया। यहाँ मेरी ओर से भी एक चैलेंज है, आप तेल की कीमतों को कम करें, नहीं तो कांग्रेस देश भर में प्रदर्शन करेगी और आपको ऐसा करने को मजबूर करेगी। मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। एक तरफ तेजस्वी का चैलेंज है और दूसरी तरफ राहुल गांधी का, तो अब देखना होगा कि पीएम इन चुनौतियों से कैसे पार पाते हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।